हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम निकल रहे हैं, नवरात्रि आने वाली है और पंडालों सज रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम प्रयागराज के उन पंडालों में जा रहे हैं जहां पे देखते हैं कि उन पंडालों को क्या क्या रूप दिया जा रहा है। तो दोस्तों बने रहिए, अभी हम निकल रहे हैं प्रयागराज के बाई बाग स्थित बैरहना में, जहाँ पे आइए देखते हैं कि पंडाल को किस तरीके से सजाया जा रहा है और क्या रूप दिया जा रहा है। तो दोस्तों मैं जिस प्लेस में खड़ा हूँ वो बाई का बाग बंगाली टोला पार्क, और इधर आप देख सकते हैं, ये देखिए ये इधर गेट बन रहा है, और मैं जिस प्लेस पे खड़ा हूँ एक रास्ता इधर से आता है और एक रास्ता इधर से आता है। तो दोस्तों ये जो गेट है ना, ये एंट्री गेट है, एंट्री गेट मेले की एंट्री गेट है जहाँ पे पंडाल सजाया जा रहा है। तो आइए दिखाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये पार्क बहुत बड़ा है और यहाँ पे ये यहाँ से एंट्री होती है और वो सामने दिख रहा है। और आप देखिए, मैं भी पास चल कर के देखता हूँ कि इस दुर्गा जी जो पंडाल बन रहा है उसका क्या रूप दिया जा रहा है। तो आइए देखते हैं, और बहुत अच्छा ही बनाया जा रहा है जो इतनी दूर से अच्छा लग रहा है। तो आइए हम पास से दिखाते हैं कि बहुत ही खूबसूरत इसको बनाया जा रहा है, जो कि शायद यहाँ पे भी कलकत्ता के कलाकार आए होंगे, कारीगर आए होंगे बनाने के लिए। और ये इसका जो है ये रूप दिया जा रहा है, ये इसका ये ढांचा है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस पार्क में सबसे पहले प्रतिमा, जो कि स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र कुमारी वाजपेयी जी की एक प्रतिमा है, और इसके जस्ट बगल में ये जो पंडाल सज रहा है, बहुत ही खूबसूरत पंडाल जो है सजाया जा रहा है। शायद यहाँ भी कलकत्ता के कारीगरों द्वारा ही सजाया जा रहा है। तो आइए अंदर चल के देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि क्या लोकेशन इसका दिया जा रहा है। ये देखिए, बहुत ही अच्छा सुंदरीकरण हो रहा है इसका। क्या रूप दिया गया है ये तो नहीं मालूम है, लेकिन आइए पूछते हैं अंदर, पहले आपको दिखाते हैं कि एक व्यू। तो देखिए, अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे पेंटिंग का काम चल रहा है और भाई साहब भी बहुत ज़ोर शोर से लगे हुए हैं इधर भी और इधर भी लोग बैठे हुए हैं, सारे लोग काम कर रहे हैं पेंटिंग का। इधर भी आप देख सकते हैं बहुत ही तैयारियाँ बहुत ज़ोरों से चल रही है। आप कहाँ से आए हो? अच्छा, ये भाई साहब ही प्रयागराज महेवा से आए हुए हैं। तो आइए अंदर चलते हैं, शायद वहाँ कलकत्ता के कारीगर आए हुए हैं, उनसे मिलते हैं। दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं कि हम इस बाइक बाग पंडाल में आ चुके हैं, जहां पे बस कुछ ही दिनों बाद दुर्गा जी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। और भाई हमारे कलकत्ता से आए हुए, जो कि सूर्यकांत मलागर इनका नाम है, और ये यहां के पूरा सर्वे सर्वा जो यहां पे काम देख रहे हैं, ये उनके मेन हेड हैं। तो सर जी, आप ये बताइए कि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें जो सामान आया है वो कहाँ से आप ले कर आए हैं? ये नागालैंड का थीम बन रहा है एक आश्रम का, और इसमें जो काम हो रहा है पूरा बांस का थीम पे काम हो रहा है। ये बांस जो है आपका असम से आता है पूरा बांस, और बांस को जो है काट के जो है हाथों से बनाया गया, हर चीज़ हाथों से बनाया गया। ये बांस का ये है, ठीक है, और ये सब जो है बांस का, ये बांस काट के सब कुछ बांध रहा है, हाथों से सब कुछ बांध रहा है। और जो पीछे वाला जो डेकोरेशन हुआ है वो भी हाथों का है, और उधर पीछे देखाइए, और रस्सी के बनाया गया जो है लड़ी है। अच्छा, ये लड़ी है? हाँ, और ये जो है उधर जो दिखाई पड़ रहा है वो भी बांस काट के बनाया गया है रस्सी से, और छोटा बांस और बड़ा बांस मिला के जो है उसका लड़ी बनाया गया है। और ये जो बन रहा है, ये भी जो है बांस, और ये भी जो है बांस को फाड़ के जो है
चाला बनाया गया है, चाला के लिए इसको बनाया गया है। तो सूर्यकांत मलाका जी, आप ये बताइए कि यहाँ पे जो कारीगर आए हैं वो कितने दिन से लगे हुए हैं, क्योंकि आप भी कलकत्ता से आए हुए हैं और भाई साहब लोग भी कलकत्ता से आए, वो कितने दिन से लगे हुए हैं? ये जो है एक ये सब जो है कलकत्ता से आया है और 25 दिन से काम यहाँ चल रहा है और आगे भी जो है अभी भी बहुत काम बचा है। ठीक है, धीरे धीरे काम और जो है बचा है, 16-17 दिन बचा है और काम होते रहेगा और पेंटिंग वगैरह भी इसमें होगा, कलर वगैरह भी होगा और ढेर सारा काम बचा है। और कलकत्ता से जो कारीगर आया है वो लगातार 12 आदमी काम कर रहा है और 18 दिन वो भी काम करते रहेगा और षष्ठी का दिन जो है इसको फिनिश करके तब निकलेंगे हम लोग। तो दोस्तों, अभी हमारी मुलाकात यहाँ पे पंडाल सजाने वाले कारीगर जो कि कलकत्ता से आए हैं बुद्धदेव जी से मुलाकात हो रही है और काफ़ी कुछ इनका भी कहना है कि ये जो सामने, तो आइए सामने कैमरे से दिखाते हैं। अच्छा, ये क्या बना रहे हैं आप? ये रस्सी से बांस का जो झाड़ वो बन रहा है। अच्छा, सब लटकेगा सीलिंग में, अभी तैयारी हो रही है, पेंट नहीं हुआ, पेंट होगा इसका बाद लगेगा। अच्छा, आप भी कलकत्ता से आए हुए हैं? सब कलकत्ता का ही। तो रात दिन काम चल रहा है बराबर? बराबर रात दिन चल रहा है। तो ये कब तक में तैयार हो जाएगा? ये अभी 10 दिन तो तैयार होगा करते हैं। अच्छा, तो अभी 10 दिन लगेगा तैयार होने में? अभी 10 दिन है, कुल्हर से बने हैं जो मूर्ति नीचे रहे। तो आप देख सकते हैं कि ये कुल्हर देखिए कितना प्यारा और कितना अच्छा जो है सजाया गया है। इनका कहना है कि मूर्ति इसी के नीचे जो है स्थापित होगी और यहाँ पे ये मूर्ति स्थापित की जाएगी और बहुत ही प्यारा इन्होंने जो है अभी सब ये सब चीज पूरा साइड पे डिजाइन बनेगा, सब रखा है तैयार करके, अभी पेंट होगा, ये सब सारी चीज सब रखा है, 10 दिन के अंदर ये सब तैयार हो जाएगा। तो 10 दिन के अंदर आपका कहना है कि सारा एकदम तैयार हो जाएगा। तो आप कितने लोग आए हैं? हम लोग करीब 20 आदमी। 20 आदमी है? हाँ। और कितने दिनों से यहाँ लगे हुए हैं? अभी 20 दिन लगे। 20 दिन हो गया लगे। तो चलिए ठीक है, जल्दी से जल्दी आप तैयार करिए। बाकी भाई साहब ने बहुत कुछ बता दिया यहाँ के बारे में और ये इसका ये देखिए ये लुक है, बहुत ही प्यारा लग रहा है इसका लुक। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।